मैंने इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर दी, टाइम नहीं मिला। और ये टाइम नहीं मिला, सारा दिन घर पे रहते हो। भैया आप मेरे को पैसे दे सकते हो कि नहीं? पैसे नहीं है मेरे पास, फायर कर दिया मुझे। बाउंसर को कौन फायर करता है? तो फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान यानी कि सुपरस्टार शाहरुख खान के 30 साल होने पर उनकी मच अवेटेड फिल्म पठान से उनका आज एक फर्स्ट लुक पोस्टर रिवील कर दिया गया है। तो वहीं दोस्तों, बॉलीवुड के यंग सुपरस्टार वरुण धवन की मच अवेटेड फिल्म जुग जुग जियो को रिलीज हुए आज 2 दिन हो चुके हैं और आज अपने दूसरे दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों, कन्नड़ा फिल्म 777 चार्ली ने भी इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 16 दिन पूरे कर लिए हैं और इन 16 दिनों में इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो कितना हो चुका है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी 777 चार्ली को देख चुके हैं, जुग जुग जियो के लिए एक्साइटेड थे और शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान को लेकर एक्साइटेड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कन्नड़ा फिल्म 777 चार्ली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि रिलीज किए 16 दिन हो चुके हैं और इस इमोशनल ड्रामा फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर किरण राज के ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों बताते चले आपको कि रक्षित शेट्टी की इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 जून को रिलीज किया गया था, जिसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में लगभग 2000 स्क्रीन्स मिली थी। अपने पहले दिन तो दोस्तों ये फिल्म लगभग 8 करोड़ रुपए की ओपनिंग ही ले पाई थी, लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिलना शुरू हुए, वैसे वैसे दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। अपने पहले ही हफ्ते में लगभग 40 करोड़ और अपने दूसरे हफ्ते में लगभग 70 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी इस फिल्म का ये बॉक्स ऑफिस पर तीसरा हफ्ता चल रहा है और इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां इस फिल्म ने अपने 15वें दिन 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की है, तो वहीं दोस्तों आज ये फिल्म अपने 16वें दिन लगभग 50% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाकर 2.2 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 16 दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो तो लगभग 72 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 90 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहां पर वरुण धवन के फिल्म जुग जुग जियो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि रिलीज किए आज 2 दिन हो चुके हैं और इन 2 दिनों में दोस्तों जुग जुग जियो ने आज अपने दूसरे दिन 50% की शानदार ग्रोथ दिखाई है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि राज मेहता के डायरेक्शन में बनने वाली सोशल ड्रामा फिल्म जुग जुग जियो, जिसके लीड में आपको वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर सर और नीतू सिंह नजर आई है। दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन के तले बनने वाली इस मच अवेटेड फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन 9.3 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग ली, तो वहीं दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिले हुए आउटस्टैंडिंग रिव्यूज की वजह से इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 16 करोड़ रुपए का रहा। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस पसंद कर रही है। इस फिल्म में अनिल कपूर सर के काम को, वरुण धवन के काम को और कियारा आडवाणी को पसंद किया जा रहा है। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज अपने दूसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50% की ग्रोथ दिखा रही है और लगभग 12 करोड़ रुपए की कमाई आज अपने दूसरे दिन करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों यह फिल्म 30 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी। ऑडियंस की तरफ से मिल रहे शानदार रिव्यूज की वजह से दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट ट्रेंड कर रही है। बात की जाए दोस्तों यहां पर सुपरस्टार शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान के बारे में, जिसका आज एक फर्स्ट लुक पोस्टर रिवील कर दिया गया है और यह फर्स्ट लुक पोस्टर दोस्तों शाहरुख खान की अभी तक की पूरी फिल्मोग्राफी में वन ऑफ द बेस्ट पोस्टर है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है पठान, जो कि स्पाई यूनिवर्स की 3री फिल्म होने वाली है। इससे पहले दोस्तों यहां पर वॉर और टाइगर सीरीज चल चुकी है। अब पठान के साथ दोस्तों शाहरुख खान इस स्पाई यूनिवर्स में एंट्री मार रहे हैं, जिसे कि यशराज बैनर प्रोड्यूस करने वाला है। बताते चले दोस्तों आपको कि पठान इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 जनवरी को रिलीज होगी और अपने पहले ही दिन एक ऐतिहासिक ओपनिंग ले सकती है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से सुपरस्टार शाहरुख खान लगभग 4 सालों बाद बॉक्स ऑफिस पर अपनी वापसी करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों उनकी लास्ट फिल्म जीरो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2017 में रिलीज की गई थी और अब दोस्तों उम्मीदें हैं कि बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म पठान 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करेगी। आपको दोस्तों आज रिलीज किया गया पठान का यह फर्स्ट लुक पोस्टर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और क्या लगता है दोस्तों, क्या शाहरुख खान इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर अपनी वापसी कर पाएंगे या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।